नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। गुरदासपुर के डीसी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थकों की तरफ से नरेश यादव की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पंजाब के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में शामिल हुए आप पार्टी के पंजाब के कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर। वही छोटेपुर का कहना था कि नरेश यादव को बिना किसी कसूर फंसाया गया। जिस आरोपी ने नरेश यादव का नाम लिया है वह उसका जानकार था, लेकिन नरेश यादव का इस मामले से कोई लेन देन नहीं है। आइए सुनते हैं सुच्चा सिंह छोटेपुर को। नरेश यादव ते केस बनाया, वो बिल्कुल झूठा बेबुनियाद है, ओदे च कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि उस केस दे विच जिहड़ा विजय सीगा वो 10 दिन ते कहिंदा रिहा ते इह जिहड़ी काम है विश्व हिंदू परिषद दा वा, 11वें दिन जदों बादल सरकार ने उहदे ते दबाव पाया वा ते फिर उहने ना जिहड़ा नरेश यादव दा उन्हें को दबाया गया वा। नरेश यादव ने झूठा केस होने के बावजूद भी जदों पुलिस ने उन्होंने सद्या उस वेले उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन विच शामिल होया, उन्हें टैलीफोन किया तां वी उहदे कोल आया वा। और सारे अफसरां ने सानू कहा सी छोटेपुर जी इस केस दे विच कुछ नहीं है, ये पोलीटिकल मोटिवेटड है, जान के किया है, बंदा बहुत शरीफ है, बहुत ईमानदार है। असी बड़ी लंबी इंटरोगेशन की है, जो कोई भी सच्चाई नहीं है। आम आदमी पार्टी सभी फैसले खुद करती है, लगता है कानून पर उसका कोई विश्वास नहीं है। यह थी गुरदासपुर से गुरप्रीत चावला की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।